हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि घर पर आप विटामिन सी सीरम कैसे बना सकते हैं। विटामिन सी सीरम एक बहुत ही ट्रेंडी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से एक है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली आता है तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। विटामिन सी सीरम ऐसे तो बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, 200 रुपये से स्टार्ट इनका प्राइस होता है और 1000 रुपीज़ के ऊपर तक ये चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं हाई क्वालिटी विटामिन सी सीरम की बात करूं तो आपको 1000 रुपीज़ के ऊपर ही एक्सपेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10 रुपये से भी कम एक्सपेंस में विटामिन सी सीरम बनाना सिखाऊंगी, जिसका इफ़ेक्ट सेम वैसे ही 1000 रुपीज़ वाले विटामिन सी सीरम की तरह होगा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को देखिए, एक बार इस्तेमाल करिए, ट्राई करिए घर पर बनाकर, अगर पसंद आए तब आकर आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक संतरा, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है, और आप हम इसे करेंगे कद्दूकस। तो इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे हम। तो कम से कम हमें एक चम्मच की क्वांटिटी चाहिए ऑरेंज पील की, और अब इस ऑरेंज पील को हमें एक क्लीन बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये जो ऑरेंज पील होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है। इसके फ्रूट से 3 times ज़्यादा आपको इसमें विटामिन सी मिलेगा, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें मैं मिक्स करूँगी इसमें बादाम का तेल। तो फ्रेंड्स, मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, इसलिए मैं एक चम्मच ऑरेंज पील में 3 चम्मच बादाम का तेल ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो आप बादाम का तेल थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। और अब इसे हम डबल बॉयलर मेथड के थ्रू गर्म करेंगे। डायरेक्ट हीट पर विटामिन सी अपनी एफिशिएंसी खो देता है, इसलिए हमेशा इसे इनडायरेक्टली हम गर्म करेंगे, वो भी लो हीट पे। तो कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो हीट पर हम इसे गर्म करेंगे, ताकि ये जो बादाम का तेल और ऑरेंज पील का जो मिक्सचर है, इसमें विटामिन सी अच्छे से इस ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए, और संतरे के छिलके को जो हमने ग्रेट किया है वो अपनी सारी क्वालिटी को इस तेल में छोड़ दे। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमको इसे करना है, और इसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो इस तरह से दबा दबा के अच्छे से आप इसको छान लीजिए। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा विटामिन सी ऑयल तैयार हो गया है, और कम से कम ये 2 से 3 चम्मच है। इसमें मैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है, अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप इसमें एलोवेरा जेल बढ़ा दीजिए, बादाम का तेल कम कर दीजिए। और इसमें अब मैं बहुत थोड़ा सा 1/4 teaspoon में ग्लिसरीन ऐड करूँगी। मुश्किल से ये 4 to 5 drops हैं। बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि स्किन को ग्रीसी कर देता है। लेकिन इसके भी अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे स्किन को क्लीन करना, मॉइस्चराइज़ करना, आपकी स्किन को ग्लोई बनाना, साथ में आपकी स्किन को लाइटन करना। तो ग्लिसरीन के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसमें अब 1 चम्मच भर के गुलाब जल मैं मिक्स करूँगी। आपको लगता है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसमें 1 capsule विटामिन ई की भी डाल सकते हैं, और इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखेंगे, आपको एक फ्लोई सा क्रीमी टेक्सचर मिल जाता है। तो विटामिन सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई होता है, लिक्विडी होता है। अब इसको आपको एक किसी ग्लास जार में, तो मेरे पास ये एक पुराने विटामिन सी सीरम की जार था, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसमें अब मैं इसे स्टोर करके रख लूँगी। विटामिन सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट में या फिर बहुत ज़्यादा लाइट के जब कांटेक्ट में आता है, तो ये अपनी क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब भी आप इसे स्टोर करके रखिए, एक तो इसे कम समय के लिए स्टोर करके रखिए, और किसी जार में जो डार्क कलर की बॉटल हो उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा विटामिन सी सीरम बनकर तैयार है, और इसकी 2 बूंदें मैं अपने हाथ पर लगा रही हूँ। तो थोड़ी देर मसाज करने के बाद मुश्किल से 1 मिनट में ही मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया है, और मेरी स्किन को बहुत ही स्मूथ बना रहा है और टाइट कर रहा है मेरी स्किन को, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा विटामिन सी सीरम, जो हाई क्वालिटी विटामिन सी सीरम होता है, वो करता है। और मेरे दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो अभी मेरे फेस पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक है। और इस सीरम की 2 drops को मैं लूँगी। वैसे 3 से 4 drops आप लोगे तो पूरे फेस के लिए ये सफिशियंट है।
और अभी इस सीरम को मैं पूरे फेस पर डैप करते हुए लगा लूँगी। एक मिनट के अंदर ही अंदर ये सीरम बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करता है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है और सड़े मेरे फेस पर एक टाइटनेस इफ़ेक्ट आता है और इसके बाद जो आप शाइन देखेंगे वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। साथ में इस सीरम को आप रात में ही लगाइए फेस वॉश करने के बाद, दिन में इस सीरम को आप अवॉइड करिएगा और जब भी धूप में निकलिए तो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद ही निकलिएगा। तो गाइस अगर आप किसी और कंटेंट में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।